लाल वाला पी इडलियाँ लाने जा बच्चा बच्चे खाते नहीं ना खाना घी डाल के खिला लो फिर अब मिलना है 10 के जी वो भी मिलना है ऐसा बोल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब भी? अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अच्छे ही हैं। देखो ये ज़ियारत की बूंदी पैकिंग कर रही सो, हमारे दादी का इंतकाल हुआ था उस वजह से 2-3 दिन से वीडियोस भी अपलोड करने नहीं हुआ। ये बूंदी पैकिंग कर ले को ही ले लगाए थे हमारे चाचा उन्होंने करे सो, लेकिन बस से इन्हीं हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है इसके से अब फिर जी वो ये कर ले 10 के जी ले लगा को पैकिंग कर ले को ही से बूंदी। दो रकम की ले लगी, ये बड़ी है, ये छोटी छोटी बूंदी है, ये 5 के जी है, ये 5 के जी है। सब जने हमारे दादी के वास्ते दुआ करो। हाँ देखो हमारे बड़े जीजा जी बैठे हैं, बैठ जाओ भैया जरा करेंगे लो। खुशखा पकने को है नाश्ते के वास्ते, खुशखा कुरमा पकई सो। इडलियाँ लाने जा बच्चा खाते नहीं ना खाना घी डाल के खिला लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अच्छे हैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल शब्बीर फैमिली ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स 3 दिन से ब्लॉग बनाने नहीं हुआ, ऐसा ज़रा परेशानी में थे, क्या टेंशन में तो हमारे दादी का इंतकाल होगा था जुम्मा के दिन, तो इस वजह से ब्लॉग बनाने नहीं हुआ। क्या अभी बोल भी नहीं सकते भाई, बाजार में ही हमें थे, घर के बड़े थे, घर में रहते थे, अच्छा दिखता था, घर में बड़े रहे तो घर का माहौल ही अलग रहता है, दादी नानी दादा या फिर नाना उन सभी घर के बड़े बुज़ुर्ग घर के, घर में रहे तो अच्छा दिखता है, घर में बरकत रहती है, वो घर का माहौल ही अलग रहता है। हमारे दादी का इंतकाल होगा तो इस वजह से ब्लॉग बनाने नहीं हुआ, फ्रेंड्स माफ़ करो, हमारे दादी के वास्ते दुआ करो। अल्लाह उनकी मगफिरत करें दे, अल्लाह उनके सारे ज़ख़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करें दे, कब्र में उनके सवाल जवाब में अल्लाह उनको आसानी अता फरमान दे। कि मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और ब्लॉग बनाने भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा होगा ना कर को, तो मैं सोची ये सब आपसे शेयर करेंगे घर को, इसके वास्ते मैं बोल रही हूँ, क्या बोलना क्या बात करना तो समझ में तो नहीं आ रहा। फ्रेंड्स थे दादी थे, चले गए उन्होंने भी, हमारे दादा सबको तो हमें देखे नहीं, दादी थे इतने साल तक, उनकी उम्र भी थी 94-95 थी, इस साल हमारे साथ में थे, उनके साथ वक्त बिताए, भूलने तो नहीं होता हमारे दादी को। बस आप सबसे ये गुजारिश है कि हमारे दादी के वास्ते जितना हो सके उतना दुआ करो फ्रेंड्स, हमारे दादी के वास्ते, आप सब हमारी फैमिली भी
तो मैं सोची आपसे शेयर करूँगा रूगल को, उसके वास्ते मैं वीडियो बना को एक छोटी सी। आप सबको मालूम होंगे क्या वजह से व्लॉग नहीं बनाए घर को, और मैं समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ घर को समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, बहुत बिजार में ही। आज को 3 दिन हो रहा है, हाजिरा अरे अरे बोलो हमारे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? अब हमारे दीदी क्या सुशन के दादी क्या गए थे कई को हमें 3 दिन से व्लॉग बनाने से, बोलो यूट्यूब फैमिली को क्या होगा था घर में, नानी मीन क्या नाना बात कौन हमारे अम्मा हमें हमारे दादी को अम्मा बुलाते थे सर, तो हमारे बच्चे भी अम्मा जी बुलाते थे, तो उनका इंतकाल होगा नहीं इंतकाल होगा उसको तो किस करने चले गए अम्मा, अल्लाह करे। बोलो हमारी यूट्यूब फैमिली बोलो फ्रेंड्स हमारे हमारे अम्मा के वास्ते दुआ करो कर को बोलो फ्रेंड्स हमारे अम्मा के वास्ते दुआ करो उनके सारे गुनाह माफ हों दे कर को उनकी मगफिरत हों दे अम्मा अच्छे थे नी अच्छा था दिखता था नी नानू क्या अम्मा रहते थे सो लेकिन घर में बड़े बुजुर्ग रहे तो घर का माहौल अलग रहता है फ्रेंड्स, जब उन्हें चले जाते हैं तो इतना बिजार होता है। अम्मी उनके रहते थे तो सब भी भाना अम्मी अब्बा सब रहते थे, अब यहाँ घर में हमारे यहाँ मंजिल रहती ना तो बहुत याद आ रही फ्रेंड्स हमारे दादी क्या बोलना कि क्या है कि समझ में भी नहीं आ रहा है। कुरान पढ़ ले को ही उनके वास्ते जिक्र कर ले को ही जितना भी हमें पढ़ रही कर रही हैं अल्लाह वो सब उनके तक पहुँचें दे फिर पहुँचें दे बस फ्रेंड्स क्या भी नहीं है हमारे दादी के वास्ते दुआ करो। सोफिया अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? फ्राइडे को हमारे अम्मा का इंतकाल होगा, हमारे अम्मी के दादी का इंतकाल होगा, दुआ करो हमारे अम्मा के वास्ते। कि सारे गुनाह माफ हों दे हाजी रखो 5 रुपीज होना कहते खाली कासा होना सो खाने नहीं। अब भी जाको हिना दीदी उनके जाको इतना खा ले मौजा चिप्सा बे चिकन पानी पूरी हिना दीदी आए थे हमारे नडन के बेटी पानी पूरी तो उनको ड्रॉप करने गए थे पानी पूरी के ऊपर ये हाजिरा उनके फुप्पू अदीबा तीनों ने गए थे इनके हिना दीदी को छोड़काने उनके घर को, तो वो बोल रही संभाल जा को वो खाए कर को मौजा मैं 2 मौजा खाई एक चिप्स खाई अपनी चिकन खाई बहुत अच्छे पानी पूरी के ऊपर मुरमुरे दाल को खाए पेट भर गया खाना ना को मैं नहीं जी गई मिक्की कत्तो मैं यार भी कुछ चल गई थी ये तो मैं भी जाती थी। और क्या भी नहीं फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस इतना अच्छा, व्लॉग बनाने इंटरेस्ट नहीं है देखेंगे इंशाल्लाह मैं बनाती हूँ व्लॉग मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ फ्रेंड्स, बस क्या भी नहीं इतनी सी गुजारिश है कि आप सबसे कि तुम्हें सभी हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली हमारी फैमिली ही है, तो हमें चाहते हैं कि हमारी हर एक परेशानी रहें खुशी रहें गम रहें आप सबसे शेयर करना कर को हमें चाहते हैं, तो बस आपसे ये गुजारिश है कि हमारे दादी के वास्ते दुआ करो हमारे दादी के वास्ते दुआ करो। और फ्रेंड्स दूसरा और क्या भी नहीं, तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस इतना
इतना सा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। कैसी लगी तो अल्लाह हाफिज। कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।